नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, CCTV कैमरे को जब आप इंस्टॉल करते हैं, खासकर जब आप बहुत ही ज़्यादा लेवल पे, हाई लेवल पे आप कैमरे को इंस्टॉल करते हैं, 32 कैमरा 64 कैमरा, तो वहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग से सिरदर्द आपके लिए बन जाता है। अब कहाँ पर कितना पावर देना है ये एक समस्या हो जाती है और समझ में नहीं आता। जहाँ पर 10 एम्पियर की ज़रूरत है वहाँ पर हम 20 एम्पियर 30 एम्पियर दे के रखते हैं, 3 पावर सप्लाई 4 पावर सप्लाई लगा देते हैं, और जहाँ पर 50 एम्पियर की ज़रूरत है वहाँ पर 2 पावर सप्लाई से हम लोग काम चलाते। तो कभी कभी कैमरे में जो है, आप अक्सर देखते होंगे किसी कुछ कैमरा जो बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा है, कुछ कैमरे में पावर का इश्यूज आ रहा है। पावर के कारण जो कैमरे में वेव्स वगैरह जो है, ब्लर जैसा पिक्चर आ रहा है, सही क्वालिटी नहीं आ रही है। नाइट विजन में जब कैमरा ज़्यादा पावर लेता है, चूँकि रात में LEDs जल जाते हैं, जो IR LEDs है, तो उस समय कैमरे को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, तो उस समय कैमरा नाइट विजन सही तरीके से नहीं ले पाता, कैमरा बंद हो जाता है। तो इन सभी तरह की परेशानी का एक ही कारण है, वोल्टेज ड्रॉप को नहीं समझ पाते हैं। वोल्टेज ड्रॉप CCTV कैमरे में, खासकर जब आप 3 कैमरा 4 कैमरा लगा रहे हैं, 8 कैमरे लगा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब लार्ज एरिया में आप काम कर रहे हैं, बहुत ही बड़े एरिया में आपका CCTV कैमरा आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहां पर यह समझना बहुत ही जरूरी है कि आपका कैमरा का डिस्टेंस DVR से की उस पावर सप्लाई से कितना हो, ताकि उस कैमरे में पावर पहुंचे। यह समझना बहुत ही जरूरी है और यह एक समझिए कि अलग से एक सिरदर्द है। और इस कैलकुलेशन का अगर आप नहीं समझते हैं तो आपका बजट काफी ज्यादा चला जाता है। पावर सप्लाई के कैलकुलेशन को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि DC का पावर सप्लाई जो है वायर के डिस्टेंस पर भी निर्भर करता है। मैं सभी चीजों को बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट जरूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक करके आगे वीडियो को देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब CCTV कैमरे में पावर की बात आती है तो हर कैमरे का पावर कंजप्शन अलग अलग होता है। PTZ कैमरा अलग पावर PTZ कैमरे को चाहिए, और आपका जो डोम बुलेट है उसको अलग पावर चाहिए, और जो पुराने कैमरे आते थे जो 1 मेगापिक्सल हैं, आज भी आ रहे हैं लेकिन वो एक तरह से ऑड हो चुके हैं, और जो TV लाइन्स में जो कैमरे आते थे TVL में, वहाँ पर 200 mA या फिर 300 mA के पावर कंजप्शन वो कैमरा करता है, और उतनी कैमरे की पावर की उनको ज़रूरत होती है। लेकिन जो HD कैमरेज हैं उनको मान के चले कि HD कैमराज के बारे में अगर बात करें तो 500 mA कम से कम जो है 500 mA पावर उनको चाहिए, ताकि वो कैमरा सही तरह से वर्क कर पाए। अब यहाँ पर कुछ 4K कैमरे भी लॉन्च हुए, जिसको कि कम से कम 1 एम्पियर का तो ज़रूर चाहिए, 1 एम्पियर से कम वो कैमरा सही तरीके से काम नहीं करता, और वेव्स वगैरह आने लगते हैं, फ्लक्चुएशन होने लगता है, नाइट विजन में जो है वो कैमरे बंद हो जाते हैं। कुछ दिन कभी पावर सही आता है, कभी पावर गलत रहता है, और कभी कैमरे ऑन होते हैं, कभी ऑफ होते हैं, इस तरह की समस्या आप देखते होंगे। तो इसको दूर कैसे किया जाए, तो इसका सवाल ये है कि कैमरे, अब नॉर्मल डोम और बुलेट को आप मान के चलिए कि जो HD आ रहे हैं, जो 2 मेगापिक्सल 2.4 मेगापिक्सल के जो भी कैमरे हैं, इसका जो पावर कंजप्शन है 500 मिली एम्पियर कम से कम है। तो अब 500 मिली एम्पियर एक कैमरा पावर लेती है, अब एक कैमरा 500 मिली एम्पियर पावर लेती है, तो अब सोचिए कि पावर सप्लाई से उस कैमरे का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अब ये समझना जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी समझना जरूरी है कि वायर का जो आप MM में वायर लेते हो, ½ MM 1 MM जो है, जो AWG में भी कन्वर्ट अमेरिकन वायर गेज में भी वो मापा जाता है, बहुत सारे वायर में लिखा होगा कि 24 AWG अमेरिकन वायर गेज बोलते हैं उसको, उसके बाद 18 AWG, और हम लोग MM पर देखते हैं, तो कितना MM वायर की मोटाई और वायर में जो थिकनेस है वायर के हिसाब से भी ये निर्भर करता है कि वायर में कितना पावर है, कि वो उस कैमरे तक वो पावर को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी है। एक चार्ट आप देख रहे होंगे जिसमें कि आप पहले ये कन्वर्ट कर लीजिए, इस चार्ट में आपको ये समझ में आ जाएगा कि 24 AWG वायर लगभग एक जो है 24 AWG वायर जो है लगभग 0.5 MM के आसपास आता है, जो कि पावर के लिए आप यूज़ करते हैं। 3+1 WM में जो है वो उतना ही रहता है, और अलग से आप पावर यूज़ करते हैं तो फिर 1 MM को दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। वो 18 AWG उसको मापा गया है, 18 AWG इज इक्वल टू 1 MM, और बाकी चार्ट में आप देख रहे होंगे आपको समझ में आ गया होगा कि कितना AWG बराबर जो है कितना MM होता है वायर का लेंथ मोटाई। अब ये समझ लीजिए कि एक पावर सप्लाई आपने लगाया, ये CCTV का पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को आपने लगाया, कहीं पे भी आपने लगाया, अब वहाँ से उस कैमरे को 500 मिली एम्पियर पावर चाहिए, कितने डिस्टेंस में वो होना चाहिए। अब अगर आप 24 AWG यानी कि आप 0.5 MM का वायर आपने यूज़ किया है और 500 मिली एम्पियर उस कैमरे को वोल्टेज चाहिए, तो ये आपको 43 फीट तक जो है ये ट्रांसफ़र करके देगा। लेकिन अगर
आप इससे ज़्यादा आप 22AWG जो है ये भी चार्ट आप स्क्रीन में देख रहे होंगे 22AWG वायर को यूज़ करते हैं तो फिर ये आपका 68 फीट और 20AWG को यूज़ करते हैं तो 119 फीट और 18AWG वायर यानी कि 1mm वायर को यूज़ करते हैं तो 173 फीट तक जो है ये पावर ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखता है। इस 500 मिली एम्पियर के कैमरे को यह पावर इतना तक ये आपको दे सकता है। इस वायर के हिसाब से इतनी मोटाई वाले वायर में जो आप वायर को जो नापते हैं कि ये 1mm का ये 0.5mm का है आपने 1mm का अगर आपने यूज़ किया 500 मिली एम्पियर आपका कैमरा पावर लेती है तो ये 173 फीट तक आराम से ये ट्रांसफ़र कर सकती है। पावर सप्लाई से कैमरा डिस्टेंस 173 फीट रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है पावर को। अब यही कहानी अगर आप 4K कैमरे वगैरह को यूज़ कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि 1000 mAh यानी कि 1 एम्पियर पावर वो कैमरा को चाहिए तो 1 एम्पियर पावर अगर आप देते हैं उसे तो आप 24AWG वायर को आप यूज़ करते हैं तो 21 फीट तक 22AWG वायर को यूज़ करते हैं तो ये लगभग 34 फीट तक और 20AWG वायर को यूज़ करते हैं तो 59 फीट तक और 18AWG वायर को यूज़ करते हैं तो 86 फीट तक जो है यह पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं यानी कि आप अगर mm में आप समझते हैं तो इस चार्ट में आपको ज़्यादा आसानी होगी कि किस तरह से कितने AWG वायर कितना mm होता है और इस चार्ट में दिया हुआ है कि इतना AWG वायर जो है और इतना एम्पियर कैमरे को पावर चाहिए तो ये इतने डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये समझना ज़रूरी है अगर मेरा एक जगह में पावर सप्लाई लगा है अब वहाँ से एक कैमरे का लेंथ जो है 43 फीट है और मेरा जो वायर है वो 0.5mm का है और 500 मिली एम्पियर पावर चाहिए कैमरे को तो फिर वहाँ से आसानी से चला जाएगा। लेकिन ये डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो फिर आपका पावर उस कैमरे तक नहीं पहुँचेगा। अगर पहुँच भी गया किसी तरह तो बाद में आपको परेशानी होगी एग्जैक्ट सही तरह से पावर ट्रांसफ़र वो पावर सप्लाई नहीं कर पाएगा। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है और 4K कैमरे में वो जो 1 एम्पियर का जो पावर सप्लाई होता है उसमें ये भी समझ गए होंगे आप और इस चार्ट को पूरी तरह से समझ लीजिएगा क्योंकि इसका बहुत ही काम आएगा जब आप बड़े स्केल पर आप CCTV कैमरे को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर ये चार्ट जो है कैलकुलेशन पावर सप्लाई का कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके से आपको समझा सकते हैं। इसके अलावा भी ऑनलाइन बहुत तरह के पर वोल्टेज ड्रॉप जो कैलकुलेशन है DC वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन जो है वो भी दिया हुआ है उसको भी आप समझ सकते हैं तो आप उसको समझ लीजिए और ये बहुत जरूरी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और बहुत ही काम का वीडियो है। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जितना कर सके कर लीजिएगा और अगर आप नए हमारे चैनल में पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।